नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। गुजरात के चुनावी प्रचार चरम पर है और इस बीच राज्य के मोरबी में 30 अक्टूबर के दिन पुल टूटने के हादसे पर एफएसएल रिपोर्ट आ गई है जो कोर्ट में पेश हुई। मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की, आपको याद होगा, जान चली गई थी। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार ओरेवा और निगम द्वारा भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही सामने आई है। ओरेवा ग्रुप के पास मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था। 30 अक्टूबर के दिन करीब 3,165 टिकट्स बेचे गए थे। जो गार्ड और टिकट कलेक्टर थे वो दिहाड़ी मजदूर थे, उनको भीड़ को नियंत्रण में करने का तजुर्बा नहीं था। तो इस पर आइए सीधे चलते अपनी सहयोगी तनुश्री पांडे के पास, जिन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है, गुजरात में वो मौजूद हैं। तनुश्री, बहुत अहम डिटेल जो सामने आई है, क्या क्या और इस पे कहा गया है? सब बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे ठीक पीछे ना अरविंद केजरीवाल का रैली हो रहा है। अब सभी, गुजरात में चुनाव है तो सभी जो पार्टियां हैं, चाहे वो प्रधान नरेंद्र मोदी हो, अरविंद केजरीवाल हो आम आदमी पार्टी के लिए, चाहे राहुल गांधी हो, सभी अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में लग गए हैं। पर एक चीज सब लोग भूल गए कि कुछ ही दिन पहले जो एक मोरबी पुल दुर्घटना हुई जिसमें 135 लोगों की जाने चली गई, उसमें किस तरीके के लैप्सेस बाहर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी अपना इलेक्शन का चुनावी मुद्दा नहीं बना रही है ग्राउंड पे। अब आपके सवाल पे वापस आते हुए मैं आपको बता दूं कि कल मोरबी में कोर्ट में जब जो 9 लोगों को अरेस्ट किया गया, उनकी बेल हियरिंग थी, एफएसएल रिपोर्ट को सबमिट किया गया जिसमें कई गहम बातें सामने आई हैं। जो सबसे ज़रूरी बात है कि जिस दिन पुल दुर्घटना हुई, जिस दिन पुल गिरा, उस दिन ओरेवा कंपनी, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उन्होंने 3,000 से ऊपर टिकट्स को इशू किया था। इसका मतलब कि उन्होंने अपने जो टिकट कलेक्टर थे उनको कहा था कि 3,000 टिकट आज बेचनी चाहिए। ये खुदा का और भगवान का वो रहा कि 3,000 लोगों ने और हजारों के लोगों ने टिकट नहीं खरीदी, वरना आप समझ सकते हैं कि जब वो पुल दुर्घटना होती तो हजारों के लोगों में तादाद में लोग मारे जाते। ये सबसे पहली बात जो सामने आई है एफएसएल रिपोर्ट में। जो दूसरी बात सामने आई है कि जो केबल्स थी ब्रिज की, उन पे जंग लगा हुआ था। और जो दूसरी बात है कि जो एंकर्स और जो बोल्ट होती है जिससे केबल्स को कनेक्ट किया जाता है, जहां से ब्रिज टूटा, वो पूरे तरीके से टूटे हुए थे और वो बोल्ट जो थे वो लूज थे। एक जो सबसे ज़रूरी बात इस एफएसएल रिपोर्ट में सामने आई है वो ये है कि जो दो टिकट कलेक्टर थे और जो दो सिक्योरिटी गार्ड और एक टिकट कलेक्टर थे जिसको ओरेवा कंपनी ने वहाँ ब्रिज पे खड़े होने के लिए बोला था, वो महज दिहाड़ी मजदूर थे जो 100 रुपये में, एनडीटीवी इस पे पहले भी रिपोर्ट कर चुका है, वो सिर्फ 100 रुपये में दिवाली में 100 रुपये कमाने के लिए वहाँ ब्रिज पे जाके खड़े हुए थे। उनको क्राउड मैनेजमेंट का या कितनी टिकट बेची जानी चाहिए या ब्रिज पे कितने लोगों को अलाउ करना है, इन बातों का उनको कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो लाजमी सी तौर पे वो सिर्फ दिहाड़ी मजदूर है और उनको से वहाँ खड़े होने के लिए कहा गया था। पर एक जो सबसे ज़रूरी बात है कि ओरेवा कंपनी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, ओरेवा कंपनी ने उस दिन 3,000 से ज़्यादा टिकट बेचने को कहा था, इशू किए गए थे इतने टिकट। सोचिए आप कि उनकी कंपनी को लगा था कि आज हज़ारों की तादाद पर टिकट बेची जाएगी, जबकि उस ब्रिज की कैपेसिटी 100-150 लोगों से ज़्यादा लेने की नहीं है। तो अभी गुजरात हाईकोर्ट में भी इसकी हियरिंग चल रही है, पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ओरेवा का वो ओनर और ओरेवा का जो टॉप ब्रास है, उनको सवाल जवाब के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, उन पर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है, क्योंकि अब तो सबका सब जो करप्शन और क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, ओरेवा कंपनी की तरफ से, वो अभी पूरा सामने आ चुका है। बिल्कुल तनुश्री, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी सहयोगी ने जो सरकारी वकील है मुझे जानी से बातचीत की है और ये तमाम डिटेल्स आप सबके समक्ष रखी हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, गुजरात की बात करें और अब चुनावी प्रचार की बात करते हैं। आपने सुना तनुश्री पांडे बता रही थी कि मोरबी का जो मसला है वो एक चुनावों में कोई उठा नहीं रहा है, तो समझेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो आपको बता दें, प्रचार चल रहा है, गृहमंत्री अमित शाह बनासकांठा के थडाड और दीसा में रैलियां कर रहे हैं। शाम को 7:30 बजे वो अहमदाबाद के साबरमती में प्रचार करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दोपहर में द्वारका की खम्बालिया सीट पर प्रचार किया है। यहां से आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो हैं सुदान गढ़वी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद सूरत में रोड शो और पब्लिक मीटिंग करेंगे। कांग्रेस के प्रचार के लिए स्थानीय नेता जुटे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जुड़ने जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। कल राहुल गांधी यहां पर आए थे, गुजरात जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा को विराम देते हुए प्रचार यहां पे किया था। तो इन्हीं मसलों पर हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर निकुल पटेल हैं, प्रवक्ता हैं गुजरात कांग्रेस के, और साथ ही देवेंद्र पटेल मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार संदेश से हमारे साथ दोनों बहुत आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निकुल जी, डॉक्टर निकुल, मैं आपसे अगर पहले जाना चाहूं, क्योंकि आप आदिवासी
समाज और हमारे ट्राइबल वर्ग के नेता भी हैं, नेतागण उठा तो रहे, कितना बड़ा मसला है आपको ये लगता है? क्योंकि जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो शिरकत करते हुए ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं कांग्रेस के गुजरात के प्रचार में। आदिवासी भाइयों बहनों की अगर बात करें तो पिछले 27 साल से अगर आप देखें तो गुजरात के अंदर उनकी हमेशा गिनती नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप उन भाइयों बहनों को देखें तो उनका जो पैसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, जो 1996 में लागू गया था, लेकिन विकास के नाम पर वो ग्राम सभा में कहीं से भी वो लोग उनका अप्रूवल नहीं लेते। सबसे बड़ा उदाहरण है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक्ट को थोपा गया है आदिवासियों पे। अगर हम वेदांता प्रोजेक्ट की बात करें, तापी नर्मदा पार लिंक प्रोजेक्ट की बात करें, तो ये सब जो मुद्दे हैं सिर्फ विकास के नाम पे उन पे थोप दिए जाते हैं और उनका कहीं पे भी स्वीकृति या उनका कोई भी कंसेंसस लिया नहीं जा रहा है। तो आदिवासी समुदाय जैसे 2017 की अगर बात करें तो 27 में से 18 सीट जो थी वो कांग्रेस को उन्होंने दी थी, और इस बार भी अगर देखें तो बहुत सारे प्राथमिक मुद्दे हैं उनके। जैसे अगर 2018 में ये सरकार कास्ट वेरिफिकेशन एक्ट लेकर आई थी, जिसके तहत अभी रोजगार जो मिलना है वो इतना कठिन हो गया है क्योंकि सरकारी प्रावधान नहीं रहे हैं, और जो सरकारी रोजगारी है वो सब इन लोगों ने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में दिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, और वहां पे रिजर्वेशन कोई फॉलो नहीं हो रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बहुत ही बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो मोरबी पुल दुर्घटना, जहां पे प्राइवेट लोगों को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। उसी तरह सभी सरकारी क्षेत्र में अगर नौकरियों की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है, जिससे आदिवासी भाइयों बहनों को जो रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्राथमिक मुद्दे हैं जहां पे ये सरकार के खिलाफ है लोग। सरकार ने एक नया कायदा लाया, उसमें बोला कि अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई करना है तो 1950 से पहले का कोई पुरावा लेकर आइए, डॉक्यूमेंट लेकर आइए, कहां से लोगों को लेकर आएंगे? तो ये जो अवगणना हो रही है वो डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये जो समुदाय है उनके खिलाफ डेफिनेटली उनको इफेक्ट करेगा। बिल्कुल आपके लिए इम्पैक्ट करेगा। अगर मैं आपसे देवेंद्र जी आपसे समझना चाहूं कितना अहम मसला है, राहुल गांधी अपनी स्पीच में उठाते, राहुल गांधी ने हालांकि अपनी कल शुरुआत भी वहां से की थी जब वो वहां पर पहुंचे थे गुजरात में अपने प्रचार करने के लिए, इसको रोकते हुए जो अपनी रैली को उधर हमने सुना था गृहमंत्री कह रहे थे कि भाई धोखा दिया है कांग्रेस ने, तो हमने तो जो राष्ट्रपति है वो समुदाय से बनाया है, तो अपने आप में क्या मसला अहम है, बड़ा है गुजरात के चुनावों में? देखिए निधि जी, गुजरात ये जो इलेक्शन है ये एक हाई प्रोफाइल इलेक्शन है। इसके दो वजह है, एक वजह है कि गुजरात ये प्रधानमंत्री मोदी जी का और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक होम स्टेट है, नंबर वन। दूसरा, 2024 में जो इलेक्शन लोकसभा का आने वाला है इसके प्रायर ये इलेक्शन है। तो आप समझ लीजिए कि 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है लोकसभा का, इसका गुजरात का इलेक्शन एक लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट इसलिए कि ये प्रधानमंत्री का अपना होम स्टेट होने के लिए, होने गुजरात में जो भी होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो उसका एक गलत मैसेज जा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रचंड बहुमति से आ जाती है तो उसका भी एक स्ट्रांग पॉजिटिव मैसेज पूरे देश में जाएगा। तो अभी राहुल गांधी की मैं बात करूं, उसके पहले मैं ये बात करूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 या 3 महीने से अपना काम गुजरात में प्रचार करने का शुरू कर दिया। कम से कम इलेक्शन के पहले 20 से 50 पब्लिक मीटिंग और बहुत बड़े बड़ी मीटिंगें गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने की, जेपी नड्डा जी ने की, अमित शाह जी ने की, और इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अभी कुछ दिन के बाद राहुल गांधी गुजरात आए हैं। अच्छी बात है गुजरात में आए हैं, लेकिन अगर वो चाहते तो उनकी एकता यात्रा गुजरात से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक इवन यहाँ के जो लोकल कांग्रेस लीडर है वो प्राइवेटली भी एक कन्फ्यूज कहते हैं कि नेशनल जो लीडर्स है उन्होंने गुजरात में जैसे कि एक वॉकओवर बीजेपी को दे दिया है कि भी आप गुजरात के लोग लड़ो, सिर्फ गहलोत जी के सहारे लड़ो, नंबर वन। और कितने दिनों के बाद राहुल जी आए तो जैसे कि उनका और मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश के लीडर्स को यहाँ पर काम पे लगा दिए, एक कारपेट बॉम्बिंग की तरह
रोज 50 to 59 to 60 पब्लिक मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की होती है। उनका प्लानिंग और माइक्रो प्लानिंग इतना डिटेल में किया है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एक, एक, एक प्रभारी भी रखा गया है। तो इतना इतना माइक्रो प्लानिंग अभी कांग्रेस ने नहीं किया है, पता नहीं क्यों नहीं किया। ये 140 साल की एक पुरानी कांग्रेस है, उसके पास तो चुनाव लड़ने का बहुत पुराना सबसे ज्यादा अनुभव है। लेकिन जितना माइक्रो प्लानिंग मैं तो एकेडमिक चर्चा कर रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट ने बिल्कुल डॉक्टर निकुल ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स दिखाई नहीं दे रहे जमीन पर। हालांकि जो स्थानीय नेता हैं वो अपने स्तर पर प्रचार कर रहे हैं, अशोक गहलोत तो पहुंचे हुए हैं, लेकिन क्यों, क्या जिस तरह से पटेल सर कह रहे हैं कि एक वॉकओवर दे दिया है बीजेपी को? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पिछले एक साल से देखें तो रघु शर्मा जी को पूरा कमान दिया गया है, वो हेल्थ मिनिस्टर थे राजस्थान में, वहां से उन्होंने इस्तीफा देके गुजरात के चुनाव में पूरा दिन रात लगा दिया है। हर एक विधानसभा वाइज उन्होंने मीटिंग्स की है, हर एक जिले वाइज मीटिंग की है, और जो पूरा हमारा प्रचार का कार्यक्रम देखे तो ये थर्ड फेज का प्रचार अभी चल रहा है। अगर आप पीछे जाके देखे तो अहमदाबाद के अंदर राहुल गांधी जी ने एक कार्यक्रम किया था, उसमें 8 वचनों की शुरुआत की थी। उससे पहले अगर हम बात करें तो दाहोद के अंदर राहुल गांधी जी ने एक जनसभा की थी, वहां स्वयंभू लोग जुड़े हुए थे, और वो जुड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि आदिवासियों को भी अभी साथ लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रमुख थे उन्होंने एक प्रोग्राम अनाउंस किया, हर डिस्ट्रिक्ट हर डीम, उसमें उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में जाके प्रचार किया। तो वो जो पूरा माहौल बना है, और राहुल गांधी जी ने सत्याग्रह, आदिवासी सत्याग्रह आंदोलन की जो शुरुआत की उस दाहोद से, तो उसके बाद पता चला कि ये लोग के भाई हमें सबको ध्यान में रखना चाहिए। तो वो पहला प्रचार का फेज था, राहुल गांधी जी ने जैसे बोला मेरा बूथ मेरा गौरव के काम के तहत हमारे सभी कार्यकर्ता हर एक बूथ तक पहुंच गए हमारे 8 वचनों और भारतीय जनता पार्टी के विफलताओं के साथ। दूसरा हमारा फेज का कैंपेन था जो परिवर्तन संकल्प यात्रा, जो पांच रूट्स पे चली, और वो 5 रूट ऐसे डिसाइड किए गए कि हर एक जगह पे वो पहुंचे और लोगों को पता चले कि इस बार परिवर्तन की क्यों आवश्यकता है, और कांग्रेस जो मूलभूत प्रश्नों के साथ आज लोगों तो, के साथ खड़ी है। तो डॉक्टर निकुल आपका ये थर्ड फेज का कैंपेन, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि चुपचाप तरीके से कांग्रेस एक तरह से प्रचार कर रही है, तो आपका आशय वो है कि वो हो रहा है। लेकिन जैसे अगर मोरबी का भी मसला है, हमारी सहयोगी को आपने सुना, वो कह रहे थे विपक्ष से उठा ही नहीं रहा है, क्यों, क्या उसका असर नहीं है, क्योंकि जो पूर्व वहां पे बीजेपी के जुड़े नेता थे उनको टिकट दे दिया गया बीजेपी द्वारा, क्या ये कारण है? आपने राहुल गांधी जी को सुना होगा कि मोरबी एक ऐसी करुण दुर्घटना है जिसपे राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसीलिए आज देखो कहीं पे भी हम लोग ये मुद्दे को नहीं उठा रहे, क्योंकि ये एक भावनात्मक मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचेगी, वो गुजरात के लोगों को पता है कि मोरबी में क्या हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री आए तो हॉस्पिटलों को कैसे कलर किया गया, कैसे मेकअप करवा गया, तो ये सब चीज लोगों को पता है। और आज लोगों को पता चल गया है कि भावनात्मक मुद्दे अभी नहीं चलने वाले, कोई भी भावनात्मक मुद्दे से मेरा पेट नहीं भरने वाला है, ना मेरी स्कूल का फीस कम होने वाला है, ना मुझे गैस का बोतल 500 में मिलने वाला है। तो ये जो प्रोपोगंडा था पिछले 27 सालों से लोगों के साथ जो एक खिलवाड़ करने का, तो गुजरात की जनता समझ गई है, और 2017 में जो जिस तरह माहौल था उससे भी आज कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा माहौल है। ठीक है, आप कह रहे हैं अच्छा माहौल है जी, मेरे पास समय बहुत कम है, बस देवेंद्र जी आखिर में आपसे ये सवाल, आपका क्या आंकलन है सर, आज लगातार आगे बात करते रहेंगे, कांग्रेस के बारे में आपने आंकलन दिया, आम आदमी पार्टी और बीजेपी कैसा कर रही है? देखिए आम आदमी पार्टी की बात मैं करूं तो आपको मैं ये समझा दूं कि आम आदमी पार्टी का तो ग्राउंड उनके लीडर्स है, केजरीवाल जी आते हैं लोगों को इतना मुफ्त देंगे सब बताते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनके पास कोई कार्यकर्ता ही नहीं। जो भी उनका काम होता है वो सिर्फ थोड़ी सी रैलियां होती है शहरों में, और फिर वो टेलीविजन पर उनके चैनल आते हैं। लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे इलेक्शन के बूथ वहां हो गए जहां पर आम आदमी पार्टी को अपने पोलिंग एजेंट्स ढूंढने में भी तकलीफ होगी, क्योंकि मैं खुद गांव से कनेक्टेड हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो मैं इतनी बात कह सकता हूं कि अपोजिशन में कांग्रेस और बीजेपी के मत
बिठ सकते हैं और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। चलिए, और जब भी मैंने एक देखा है कि नरेंद्र मोदी एक ब्रांड है, नरेंद्र मोदी जब भी लोगों के सामने आते हैं तो सभी सभी इश्यूज सब लोग गायब हो जाते हैं, कि क्योंकि उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इज सिक्योरिटी, कि हमको सलामत रहना है, यहाँ न कर्फ्यू चाहिए, न कौमी दंगा चाहिए, न तूफान चाहिए, और वो मोदी जी ने गुजरात में दिया है। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपका और डॉक्टर नकुल, आप दोनों जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुजरात से जुड़ी अगली खबर हम आपको दिखा दें तो राहुल गांधी ने सोमवार को सूरत के महुआ के आदिवासी बहुल अनावल गांव से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। जब एनडीटीवी इस गांव में पहुंचा तो हमने पाया कि चुनाव के शोर से दूर इस गांव की औरतें अब भी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्हें शौच के लिए अभी भी खुले में जंगल में जाना पड़ता है। तनुश्री पांडे की रिपोर्ट। यहाँ किसी घर में नहीं है पानी और मैं बहुत घर देख रही हूँ, यहाँ किसी घर में टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है, वो बहुत तकलीफ है। इधर कुछ किया नहीं है, वो सरपंच भी कुछ नहीं किया। तो ये आप मंजर देख सकते हैं कि ये अनावल गांव है जो सूरत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये एक आदिवासी डोमिनेटेड एरिया है और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, असेंबली जो सीट है वो महुआ है। अब महुआ से शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व की जाती है। सभी पार्टियां, चाहे आप वो कांग्रेस कहे, कुछ ही देर पहले राहुल गांधी यहां से महज 500 मीटर पर रैली कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से कुछ ही दूर नवसारी में रैली कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं वो भी यहां से कुछ ही दूर में अमरेली में रैली कर रहे हैं। सभी पार्टियां कहीं ना कहीं जो आदिवासी वोटर है उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत जरूरी वोट है गुजरात के लिए। सूरत से 80 किलोमीटर दूर महुआ पड़ता है जनजातीय गांव अनावल। ये आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है। राहुल गांधी ने इसी गांव में प्रचार किया जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर एक जनसभा में भाषण दिया। लेकिन चुनाव प्रचार के शोर शराबे से दूर इस गांव की औरतें कहती हैं कि यहां शौचालय तक नहीं है। ये हाल उस राज्य का है जिसकी सरकार को बीजेपी सबसे कामयाब बता चुकी है। यहां तक कि साल 2022 में बहुत सी लड़कियों और महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाना जाता है जो कि सेहत और सुरक्षा के लिए खतरा है। 54 साल की उषाबेन को पूरी उम्र में जंगल में शौचालय जाने की नौबत आई। तो माता जी, आप को अगर जाना होता है तो आप कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं? बाहर जाते हैं। बाहर मतलब जंगल में? जंगल में। सरकार जो है यहाँ पे उसने सुविधा नहीं दिया है वॉशरूम का? नहीं दिया, कोई लोग को दिया है सुविधा, कोई लोग को नहीं दिया है। सब भवन और मंदिया सेन उस मुश्किल का जिक्र करते हैं जो उन्हें रोज झेलनी पड़ती है और सरकार पर सवाल उठाते हैं। हमारा तो खुद का बनाया है, कोई सरकार ने हमको कुछ दिया ही नहीं। नहीं, आपने अपने पैसे से बनाया है? हाँ हाँ, हमारे पैसे से बनाया। तो यहाँ जो भी घर है जो ये आदिवासी डोमिनेटेड है, तो मैंने भी तकलीफ की है। हाँ। मेरे खुद का बनाया है, सरकार ने कुछ दिया ही नहीं। और आप लोग महिलाएं हैं, महिलाओं को और भी दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कत तो पट्टी है, पर क्या करें, मजबूरी। सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कई परिवारों ने अपने पैसे से घर में शौचालय बनवाए हैं। वो कहते हैं कि विधायक जी से बार बार कहा लेकिन कुछ हुआ नहीं। सरपंच देता है, किसी को देता नहीं, किसी को देता है, ऐसा करता है, दो पक्ष चलता है, तो ऐसा है। नहीं तो आप लोग के यहाँ पानी आता है, नल है? हमारे यहाँ नल नहीं आया। नल नहीं आया? हमारे नहीं आया नल। नहीं आया, लाइट नहीं आया। अंदर गांव में जाता है ना, वहाँ तो कुछ ईट रखी है, अमुक तो ऐसे गड्ढे ऐसे ही है, खोद के चला गया, ऐसे ही खड्डा खोद के चला गया। हमने सरपंच से पूछा जो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन सरपंच मंजू बेन पटेल इन सब आरोपों को खारिज करते हैं और दावा करते हैं कि वहां सारे टॉयलेट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं। हाँ। हमारा स्मार्ट गांव है, कोई ऐसा घर नहीं है कि शौचालय नहीं है। एक भी घर नहीं है जहां बाथरूम नहीं है? नहीं नहीं, ऐसे बात ही नहीं हो, नया घर बनाओगे इसमें नहीं होगा। नहीं, पर हमने तो दादा बहुत सारे घर देखे जहाँ नहीं है। नहीं, नहीं, सब घर में है, तुम यहाँ ये मोहल्ले में, तुमको मैं घर घर पे लेके जाता हूँ। हाँ, तो लेकिन सरपंच के दावे के विपरीत हमने कई घर देखे जहाँ हमें शौचालय नहीं मिले। अब तो अगली पीढ़ी भी कहने लगी है कि उन्हें इसकी आदत पड़ गई है। तो ये भी बच्ची बाहर जाती है? ये आबाजी जय रास्ता ने पहला साइड सरकार ने बना के नहीं दिया अब तक, क्यों? सरकार जाने था।
वोट तो सभी मांगने आ जाते हैं यहाँ से। पिछली 27 साल से यहाँ भाजपा भी है, इनके लोकल एमएलए भी जो इस महुआ सीट से हैं वो भाजपा के ही हैं, पर जब फैसिलिटीज़ की बात आती है और इतनी बेसिक फैसिलिटीज़ की, पानी और वॉशरूम जैसी फैसिलिटीज़ की बात आती है, तब ये जो सारे राजनीतिक दल है ये कहाँ चले जाते हैं। बात ये है कि ग्राउंड पे इतनी बेसिक फैसिलिटीज़ आज इन आदिवासी गाँव में क्यों नहीं है। कैमरा पर्सन रवि जोशी के साथ मैं तनुश्री पांडे, NDTV के लिए। और देश की बातें बात करते मेघालय की, जहां आज पूरे मेघालय में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। असम मेघालय सीमा पर लकड़ी तस्करी को रोके जाने के दौरान हिंसा हुई है, इसमें 6 लोगों की जान चली गई है। आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सौरभ गुप्ता के पास। सौरभ, इस समय क्या स्थिति है, क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं इस मामले पर? देखिए, वहाँ पे परिस्थिति शांतिपूर्ण रखने के लिए जो मेघालय का सरकार है और गृह दफ्तर है, उन्होंने इंटरनेट का सेवा मेघालय में बंद कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इंटरनेट के जरिए कोई ऐसे बातचीत या वीडियो या फोटो या कोई टिप्पणी करे जिसमें जो स्थिति है, वहाँ की नाजुक स्थिति है इस वक्त, वो और खराब हो जाए, तो इसलिए वो इंटरनेट सर्विस वहां पे बंद कर दिया गया। इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद है। आसाम और मेघालय के जो बॉर्डर है वहां पे कुछ गाड़ियों के आना जाने पे भी रोक लगा है। घटना जो हुआ है वो, जैसे आपने बताया कि तस्करी का आरोप था एक ट्रक के ऊपर, लॉरी के ऊपर, और जब पुलिस या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रोकने बोला ट्रक को, तो ट्रक वाले ने रोका नहीं, और उनके पीछे करने के बाद ट्रक को रोका गया, लेकिन तब तक ट्रक शायद मेघालय के बाउंड्री के अंदर थे, और उसके बाद वहाँ पे पुलिस के साथ एक भीड़ जो है वो क्राउड था वहाँ पे, और उसमें जो जो परिस्थिति बनी उसमें वहाँ पे 6 लोग के जान गए हैं गोली चलने के वजह से, और एक जिनके जान गए हैं वो पुलिस के कर्मी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मी है आसाम के, और बाकी जो 5 लोगों के जान गए हैं वो मेघालय की है। कॉनराड संगमा जो मेघालय के मुख्यमंत्री है, उन्होंने आज एक पत्रकार परिषद में कहा कि आसाम की पुलिस द्वारा गोली चलाया गया पहले, और दुखद घटना है उन्होंने बताया, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेघालय के जो गृह मंत्री है वो भी उस जगह पर पहुंचे हैं। ये वेस्ट जांतिया हिल्स जो है उस इलाका में है जी। और मेघालय और असम के सीमा पर है। बिल्कुल सौरभ, इस जानकारी के लिए आप उस पर नजर बनाए रखें। तो लकड़ी तस्करी को रोके जाने के कारण भड़का है ये पूरा मामला। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम श्रद्धा वॉल का हत्याकांड पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। श्रद्धा वॉल्कर के हत्या के आरोपी आफताब को 4 और दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। आरोपी ने कोर्ट में कहा है कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा को मार दिया था। अब इस मामले में आरोपी का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट होना है। पुलिस का दावा है कि 200 पुलिसकर्मी इस केस में 80% जांच पूरी कर चुके हैं। श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट के लॉकअप लेकर गई। वहीं कोर्ट लगी और कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर और भेज दिया। अभी पुलिस को काफी कुछ करना है, अभी उनको नार्को भी करानी है, पोली भी करानी है, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, तो उनके इस ग्राउंड पर उनको दिया गया जो है। तो सर, कोर्ट ने भी आफताब से कुछ पूछा सर सुनवाई के दौरान? कोर्ट ने नहीं पूछा कि यू आर इन स्टेबल कंडीशन जो है, आपको कोई टॉर्चर को नहीं की जा रही है, आपको कोई हार्म तो नहीं पहुंचाई जा रही है, तो उन्हें आफ्ताब ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली पुलिस मुझे पूरी कॉर्पोरेट कर रही है जो है। और स्पेशली जो आईओ का उन्होंने तारीफ भी किया ओपन कोर्ट में कि आईओ साहब भी मुझे काफी कॉर्पोरेट कर रहे हैं।
बस ये प्रोवोकेशन का ही था, ऐसा ही निशी ने बताया कि मैं क्यों किया। किसी तालाब का साइट प्लान वगैरह भी बताया जहां? हाँ, वो साइट प्लान बताया, वो साइट प्लान पर भी मोस्ट प्रोबेबली जो है दिल्ली पुलिस लेके जाएगी उसको, उससे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। इस बीच पुलिस को 20 नवंबर को जंगल से शव के कुछ टुकड़े और जबड़ा मिला है। अभी हथियार और शव के कई टुकड़े बरामद करने हैं। आरोपी के घर से एक रफ साइट प्लान मिला है, उससे सर्च ऑपरेशन में मदद मिलेगी। वहीं आफताब ने कहा कि उसने श्रद्धा को अचानक आए गुस्से की वजह से मारा है। जहां जहां शव के टुकड़े फेंके हैं वो जगह मैप के जरिए पुलिस को बता दी है। हत्या को काफी वक्त हो गया है इसलिए उसे ज्यादा कुछ याद नहीं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा के मर्डर में इस्तेमाल आरी और ब्लेड गुरुग्राम की DLF फेज 3 की झाड़ियों में फेंका है। वहीं चापड़ उसने छतरपुर के 100 फुटा रोड के कूड़ेदान में फेंका है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक चेहरे के जबड़े समेत टोटल 18 हड्डियां बरामद की हैं। आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े जहां जहां फेंके उसको लेकर एक रफ साइट प्लान बनाया था, जिसमें वो हिसाब रखता था कि कौन सा टुकड़ा कहां फेंका। दिल्ली पुलिस ने उसके फ्लैट से ये रफ साइट प्लान बरामद कर लिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो आफताब के फ्लैट के किचन के अलावा उसके बाथरूम से भी खून के धब्बे मिले हैं। बाथरूम की टाइल्स तोड़कर CBI की CFSL टीम ने इन्हें खोज निकाला। सभी सबूत आगे की फॉरेंसिक जांच के लिए CFSL लैब भेज दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड की जाँच में 200 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और इस केस की 80% जाँच पूरी हो चुकी है। वहीं दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो इस मामले में जो DNA रिपोर्ट है उसको आने में 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। इसके साथ में जो नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट है वो भी अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिल्ली पुलिस का केस मजबूत होगा, क्योंकि ये केस फॉरेंसिक, साइंटिफिक और टेक्निकल जाँच पर टिका हुआ है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। तो बात मध्य प्रदेश की। 22 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब आधा दर्जन विभागों के मंत्रियों के साथ गौ कैबिनेट का गठन कर एशिया के सबसे बड़े गौ अभ्यारण्य में इसकी मीटिंग की थी। दावा था कि प्रदेश में गौवंश की दशा सुधारने के लिए कैबिनेट हर तरह के कदम उठाएगी। आज ठीक 2 साल बाद अनुराग द्वारी इसकी पड़ताल कर रहे हैं तो मालूम हुआ है कि लाखों की तादाद में गौवंश सड़कों पर बेसहारा घूम रहे हैं और जो गौशालाओं में हैं उनको अपना पेट भरने के लिए सरकार के अनुदान का पिछले 8 महीने से इंतजार है। आर्थिक रूप से हमको जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और गायों की संख्या भी अधिक है। सबसे महंगा ये भूसे की सबसे ज्यादा समस्या है, तो भूसे की समस्या, भूसा बहुत महंगा है इस टाइम पे। शासन से अनुदान कम मिलता है, समय पर नहीं मिलता है। छोटा सा परिसर है, छोटे से परिसर अंदर 900,000 पशु आ नहीं पाते, उसके लिए शासन से मांग की हमने लगभग 10 एकड़ जमीन की। गाय की तस्करी करने वाला, गाय का व्यापार करने वाला, गाय को कटवाने वाला स्कॉर्पियो में घूम रहा, और गाय चराने वाला, गाय गौशाला संचालन करने वाले के पास किराया नहीं है, वो गौशालाएं सभी कर्जे की ओर चल रही है। सड़क के बीच में, सड़क के किनारे, कूड़े के ढेर पर, दिन में या फिर रात में, मध्य प्रदेश के हर हिस्से में आपको गाय दिखाई देगी। लाखों की तादाद में मौजूद गोवंश की सरकार कितनी फिक्र कर रही है इसको देखने हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा पहुंचे। माधव गौशाला, साल 1926 में बनी यह गौशाला अपने 100 साल पूरे करने जा रही है। यहाँ 300 गाय की क्षमता है, मगर क्षमता से करीब 3 गुना यानी लगभग 900 गाय यहाँ मौजूद है। जिला मुख्यालय पर स्थित इस गौशाला में गायों को देखभाल के लिए भूसा, चारा, मजदूरी, बीमार गायों को इलाज के लिए हर महीने लाखों रुपए खर्च होते हैं। अनुदान के नाम पर सरकार की तरफ से 20 रुपए प्रति गाय दिया जाता है, वो भी पिछले 8 महीने से नहीं मिला।
राशि को लगभग नहीं मिला, साल भर गरीबन हो गया है, साल भर का बाकी है। पर वो पैसे समय समय पे 5-5, 6-6 महीने दूसरी गौशाला में जल्दी वितरित कर देते हैं। हमारे गौशाला में अनुदान जो आता है, अनुदान राशि, वो बहुत लेट आती है। अभी लगभग एक साल भर से हमारी अनुदान अभी अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है। पाचारुंडी गांव में श्री देव नारायण गौशाला है। 2019 में सरकार ने इसे बनाया, मार्च 2022 तक पंचायत ने चलाया। अब ईश्वर सिंह यादव इसे संभालते हैं, लेकिन पिछले 8 महीनों से अनुदान नहीं मिला है। गायों का पेट भरने के लिए साहूकारों से कर्ज लिया, 5 लाख का कर्ज हो गया। अब गौशाला छोड़ने का मन बना रहे हैं। हमने 1 अप्रैल 2022 से जब चल रहे, तो अभी तक 1 रुपया भी हमारा अपने कुछ भी नहीं आया है। और अनुदान की राशि जो 20 रुपये प्रति गाय के हिसाब से मिलती है, उसमें गौशाला का पूरा मैनेजमेंट देखना है, यहाँ काम करने वाले वर्करों की सैलरी और भूसा, और उसमें कुछ 15% या 20% ऐसे की खली भी खिलानी है। उस हिसाब से देखो तो भूसा ही 10 रुपये किलो मिल रहा है, तो 20 रुपये गाय से, गाय 5 किलो खाए तो 50 रुपये का तो भूसा खा जाती है। इसी गांव में राधेश्याम विश्वकर्मा श्री सुदामा गौशाला का संचालन करते हैं, गौवंश की देखरेख स्वयं करते हैं। सरकारी अनुदान के लिए कई चिट्ठियां लिखने के बाद भी महीनों अनुदान का इंतजार करना पड़ा, सो गौशाला के खर्च को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर हो गए हैं। 1 अप्रैल 2019 से लगाकर आज दिनांक तक के जोड़े तो हम 43 महीने होते हैं, उसमें हमको मात्र 12 महीने की राशि बाकी मतलब मिली है, तो ये हमारे 31 महीने की, इस महीने को जोड़े तो 31 महीने की राशि बाकी सरकार की तरफ से चल रही है, जो कि गौशालाएँ कर्जे में है। मान लो मैं तो ये गोकास्ट बनाता हूँ या और अन्य प्रकार से मैं सक्षम हूँ तो मैं चला रहा हूँ, बाकी बहुत सारे गौसेवक ऐसे हैं, गौशाला चलाने वाले ऐसे जिनके पास किराए के पैसे नहीं। इन गायों में कुछ का रंग सफेद है, कुछ का काला और कुछ का कत्थाई भी। सरकार मुट्ठी भर अनुदान के नाम पर सेवा का दावा तो करती है, मगर हकीकत आपके सामने है। तो सब लाइन से निकल जाएगी। मध्य प्रदेश में 1,87,00,000 से ज्यादा गौवंश है। राज्य में अभी 627 निजी, मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना से बनी 951 गौशालाएं हैं, जिनमें 2,55,000 से अधिक गाय हैं। इनके साल भर के खाने के लिए ही करीब 184 करोड़ रुपए का बजट चाहिए। 1800 गौशाला और बनाने की योजना है। इस योजना की एक बानगी आगर मालवा में देखिए, जहां देश का पहला गौ अभ्यारण्य है। 2012 में मोहन भागवत ने इसका भूमि पूजन किया था, 2016 में काम पूरा हुआ, 2017 से यहां गौवंश रहने लगे, लेकिन 24 शेड और 6,000 की क्षमता है गायों की, कुल 4,000 गायें यहां पर है। 30 करोड़ का ढांचा यहां खड़ा हो गया, लेकिन प्लानिंग ऐसी अद्भुत कि 1 दिसंबर से एक स्वयंसेवी संस्था देश के पहले गौ अभयारण्य को चलाएगी। सियासत में अब गाय को खूब दुहा जाता है, फिर चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, सब गाय का अपने अपने तरीके से सियासी इस्तेमाल करते हैं। असल फिक्र किसी को नहीं, अगर फिक्र होती तो गाय यूं सड़क पर न रहती और न ही कचरे के ढेर में अपना भोजन तलाशती। आगर मालवा से अपने सहयोगी जफर मुल्तानी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात दिल्ली के निगम चुनावों की। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में एक वार्ड ऐसा है जहां बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही उम्मीदवार अपने अपने पिता के नाम और काम पर लोगों से वोट मांगते दिख रहे हैं। चांदनी चौक जैसे हाई प्रोफाइल वार्ड का चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है और विस्थापन कैसे यहां बड़ा मुद्दा है, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। चांदनी चौक वार्ड के तीन उम्मीदवार बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हैं, लेकिन इनमें एक बात कॉमन है कि ये सभी अपने अपने पिता के पूर्व में किए गए काम और सियासत को बताना नहीं भूलते हैं। पहला नाम रवि कप्तान का है, जो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। इनके पिता वासुदेव कप्तान बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सब लोग कहते हैं, लेकिन क्या है, मैं उस विरासत को दूसरी तरह से जोड़ते हुए, मैं मेरे बाबूजी, मेरे आदरणीय पिता वासुदेव कप्तान जी बहुत सभी स्वयंसेवक संस्थाओं से जुड़े, और मेरी अपनी वर्किंग भी, मैं यहाँ के चाहे वो धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे चैरिटेबल हो, मैं सभी संस्थाओं में अपने तरीके से सब जगह वहाँ पर भागीदारी मैंने रखी हुई है। जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पूरनदीप साहनी के पोस्टरों पर भी चांदनी चौक से 5 बार विधायक रहे पिता प्रहलाद साहनी के फोटो ऊपर लगे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल शर्मा भी अपने पिता ब्रजलाल शर्मा के किए गए कामों को लोगों के बीच गिनवाते नहीं थकते हैं।
मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री बृजमोहन शर्मा जी 2002 में इसी क्षेत्र से निगम पार्षद बने। उस समय तत्कालीन महापौर भाजपा के स्वर्गीय शांति देसाई जी को हराकर सत्ता में आए, 4 साल अपॉइंटमेंट कमेटी के चेयरमैन रहे और हमने तब से आज तक जनता से संपर्क साधा हुआ है। उनके जो जो काम हमने किए हैं वो जनता, मुझे ये विश्वास है जिस तरीके से मैं घर घर डोर टू डोर जा रहा हूँ और एक एक दो दो तीन तीन चार चार मंजिल चढ़ रहा हूँ तो लोग बाग शक्ल देखते अपने आप ही कह रहे हैं भाई आपके पिताजी ने जो काम उस समय किए थे आज तक वैसा कोई आदमी हमें नहीं मिला जिसने इलाके में काम किया। ये बात रही चांदनी चौक की परिवारवाद की राजनीति की। अब जायजा लेते हैं इन इलाकों की समस्याओं की। चांदनी चौक की सबसे बड़ी समस्या आधारभूत ढांचा न होने से यहां दशकों से रहने वाले लोगों के बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन की है। चांदनी चौक की एक मुख्य समस्या ये भी है कि यहां पर आधारभूत ढांचा न होने की वजह से, बहुत ज्यादा व्यवसायीकरण होने की वजह से तमाम सारे लोग चांदनी चौक से बाहर निकल गए। यहाँ अमोश शर्मा हमें मिले। चांदनी चौक वार्ड के कश्मीरी गेट पर उनकी ये शानदार कोठी है, लेकिन वो खुद सिविल लाइंस चले गए हैं और उनके भाई गुरुग्राम में शिफ्ट हो चुके हैं। अब इस घर में साफ सफाई के लिए एक नौकर और चंद किरायेदार रह गए हैं। अमोश जी, ये बड़ी शानदार कोठी है, अभी आपने दिखाया, बड़े पुराने सामान है यहाँ पर, तुलसी जी भी लगी हुई है जी। कोई रहता भी है कि आप लोग? नहीं, कोई नहीं रहता, सब बाहर शिफ्ट हो गए। तो ये क्यों बाहर चले गए? अब यहाँ पे वो चीज जो है, जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं है, पार्किंग की प्रॉब्लम, गाड़ी अंदर लाने की दिक्कत, अच्छा, निकलने की दिक्कत। अच्छा अच्छा सर, तो कई सारे लोगों का जो मतलब जैसे वो कई सारे लोग वोटर नहीं होंगे यहाँ के, कुछ लोगों का घर है चूंकि इसलिए वो वोटर होंगे, तो वो उस दिन कैसे आएंगे मतदान करने के लिए? ये तो उनकी रुचि पे डिपेंड करता है और कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कौन उनको परसू करके लाता है। चांदनी चौक में 46,000 से ज्यादा मतदाता हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता उम्मीदवारों के पिता की सियासत पर वोट करते हैं या वार्ड की गंदगी, पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था के आधार पर लोगों को चुनेंगे। नई दिल्ली से हरिकिशन शर्मा के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। रोजगार हमेशा एक चुनावी मुद्दा रहा है। आज सरकारी नौकरियों में भर्ती का मोदी सरकार का मेगा रोजगार मेला के दूसरा चरण आयोजित किया गया। रोजगार मेले के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। आज 22 नवंबर को इसके दूसरे चरण में 71,000 अन्य युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। देश भर के 45 स्थानों में 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र नौजवानों को सौंपे। हालांकि विधानसभा चुनावों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश, गुजरात में ये नहीं बांटे गए।